303 सीटें लेकर आए हैं, अपने बॉर्डर नहीं बचा पाते, पुलवामा नहीं रोक पाते। पेगासस अगर सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आज सवाल भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि उससे हमारे जवानों की जान बच जाती, हमारा एयर बेसिस जो है वो बच जाते, पूरी पठानकोट, पैम्पोर, अमरनाथ यात्रा, जितने आतंकवादी हमले हमारे रक्षा ठिकानों पे हुए हैं वो नहीं होते। लेकिन आपकी प्राथमिकता है कि आप सारी नज़र अपने ही अधिकारियों, अपने ही नेताओं, अपने कोलीग्स, अपने पत्रकारों, अपने देश के नागरिकों पर करते हैं, विदेशी दुश्मन पर नहीं करते हैं, ये साबित हो गया। प्रधानमंत्री तो हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे इस पर एक शब्द बोलने की। जो आदमी रफेल के नाम से कांपता हो, जो आदमी चीन के नाम से कांपता हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे हम जवाब देने की। हम सब यह जानना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि भारत के पत्रकार, भारत की सीबीआई के निदेशक, भारत की सीबीआई के और अधिकारी, भारत के उद्योगपति, भारत के विपक्ष के नेता, भारत के एक्टिविस्ट, क्या ये सब आतंकवादी हैं? रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कभी पत्रकारों के, महिला पत्रकारों के फोन उनके कैमरा में घुस जाना, ये छोटी बात नहीं होती। अब जो कल खुलासा हुआ है उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेट, बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे सीबीआई को देखते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और सीबीआई में और वरिष्ठ अधिकारी थे, आइए प्रणव, उन सब लोगों के, आइए ना प्लीज, और उनके परिवार के सदस्यों, उनके परिवार की महिलाओं के सबके कैमरा में सरकार ने अपना जासूसी स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर, देश की सुरक्षा एजेंसी के आला अधिकारियों के और उनके परिवारों में डाल दिया गया, ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई भी देश प्रेमी सरकार नहीं कर सकती जो मोदी सरकार ने किया है। सीबीआई मतलब देश की कई कई बहुत खुफिया जानकारी जिस विभाग के पास होती है, जिस विभाग के अफसरों के पास होती है, उन अफसरों के मोबाइल में आपने एक विदेशी सॉफ्टवेयर डाला, वो सॉफ्टवेयर से जो जानकारी अर्जित की जा रही थी वो कहां कहां जा रही थी, कौन कौन उस जानकारी को हासिल कर रहा था, ये सोचे बगैर तो नहीं किया होगा। अगर ये सोच कर किया है तो ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है, और अगर बिना सोचे किया है तब भी ये अपराध ही है, उससे कम कुछ नहीं है। अब एक मंत्री जो भूतपूर्व मंत्री थे, बड़ी अभूतपूर्व बात कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब 45 देशों ने अगर इसका उपयोग किया तो सिर्फ भारत के ही बारे में क्यों बात हो रही है। ये देखिए, मंत्री थे और अभी तक बड़े आला मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद जी, आज जो नए मंत्री हैं उनका एक अलग सी टिप्पणी आती है, वो भी चौंकाने वाली टिप्पणी है कि मंत्री कैसे बन गए। कहते हैं कि कोई तथ्यात्मक जानकारी इस बात की नहीं है यह बताने के लिए कि ये जो इकट्ठी कर जा रही थी डाटा, जो जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, ये सर्वेलेंस होता है। मंत्री जी मान रहे हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, मना कोई नहीं कर पा रहा। कल भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी, किसी ने ये नहीं बोला कि ये नहीं किया गया, सब दाएं बाएं यहां वहां की बातें कर रहे हैं। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 33 करोड़ से 333 करोड़ 2017-18 में क्यों हुआ, जब है एक विभाग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइटी के तहत, तो ये नया हेड क्यों इसमें डाला गया, क्या पेगासस सॉफ्टवेयर इस पैसे से खरीदा गया, यह हम सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। 5 दिन में जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं मिला, आप 6ठे दिन हम ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आलोक वर्मा, सीबीआई के डायरेक्टर निदेशक, उनका झगड़ा आपस में अस्थाना का चल रहा है, एके शर्मा का चल रहा है, तमाम लोगों के मोबाइल में आपने यह सॉफ्टवेयर डाल दिया। आप सोचिए, इजराइल कहता है, इजराइल की एक कंपनी कहती है कि ये आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर नजर, आतंकवाद पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर है। जिस कंपनी के मालिक को आपने रफेल, गलत तरीके से रफेल में उनको पार्टनर बनवाया, उस पर भी आप नजर रख रहे थे, उसके एक अधिकारी पर भी आप नजर रख रहे थे, परिवारजनों पर भी आप नजर रख रहे थे। आलोक वर्मा जी जो निदेशक थे सीबीआई के, उनके परिवार के 8 सदस्यों पर नजर रखी जा रही थी, महिला, पुरुष, बच्चे, सब।
क्या ऐसे सरकारें चलाई जाती हैं कि किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है, किसी के बाथरूम में क्या हो रहा है, किसी के ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है, किसी के किचन में क्या हो रहा है, आप उस सब पर नजर रखना चाहते हो? क्या ऐसे आप सुरक्षित रखोगे देश को कि जहां देश को सुरक्षित रखने वाले लोग स्वयं सुरक्षित नहीं हो, उनके परिवार सुरक्षित नहीं हो? अब क्यों ये राफेल से इतना डरते हैं? यह साबित हो जाता है कि मोदी जी राफेल के नाम से थर थर कांपते हैं। आलोक वर्मा, अस्थाना, अनिल अंबानी के अधिकारी, राफेल की जो कंपनी है हिंदुस्तान में उसके हेड, सुशांत सिंह जो जर्नलिस्ट हैं और तमाम पत्रकार जो राफेल पे जानकारी एकत्रित कर रहे थे, इन तमाम लोगों के फोन में ये सॉफ्टवेयर डाला गया, इसराइल का सॉफ्टवेयर डाला गया, और वो भी उसी वक्त डाला गया जब राफेल के ऊपर बहुत ज्यादा खुलासे आ रहे थे। तो आपको साफ सीधा सीधा दिख रहा, और हटा कब दिया गया? जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लगा कि थोड़ी राहत मिल रही है, वो राहत तो नहीं थी, लेकिन इन्हें जब लगा कि राहत मिल गई है तो इन्होंने वो सॉफ्टवेयर की लिस्ट से इन कुछ नंबरों को हटा दिया। साफ सरेआम दिख रहा है कि यह राफेल से घबराया हुआ प्रधानमंत्री, यह राफेल से थरथर कांपती हुई सरकार ने अपने ही लोगों की जासूसी करवाई कि कहीं राफेल की कोई जानकारी यहां वहां नहीं हो रही हो। आने वाले दिनों में क्या पता किस किस का नाम आ रहा हो, क्या पता कौन कौन से अधिकारियों का नाम आ रहा हो। अभी तक तो यह साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि उनकी नजरों में हमारे अपने विपक्ष के नेता, उनकी नजरों में उनकी अपनी पार्टी के नेता, उनकी नजरों में हमारे सीबीआई के निदेशक और अन्य अधिकारी, उनकी नजरों में अनिल अंबानी और अन्य उद्योगपति, उनकी नजरों में आरएसएस के नेता, उनकी नजरों में पत्रकार, ये सब आतंकवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया। बाकी देश क्या कर रहे हैं? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कल रात को फ्रांस का कैबिनेट मिला और उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। इसराइल ने ना केवल उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है, इस कंपनी पर किस तरह से एक्सपोर्ट पे रोक लगाई जाए उस पर भी चर्चा हो रही है। मोरक्को ने जांच शुरू कर दी है, ब्राजील ने जांच शुरू कर दी है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे इस पर एक शब्द बोलने की। जो आदमी राफेल के नाम से कांपता हो, जो आदमी चीन के नाम से कांपता हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे हम जवाब देने की? लेकिन बाकी देश क्या कर रहे हैं और हमारा देश क्या कर रहा है, ये देखकर शर्म के मारे सर झुक जाता है। हम सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल जो है दोहराना चाहते हैं। क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा? और अगर सरकार ने खरीदा तो क्या जो सॉफ्टवेयर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, क्या वो अपने ही अधिकारियों, अपने ही राजनेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोगों, क्या इन सब पे इस्तेमाल किया? और अगर सरकार ने नहीं इस्तेमाल किया, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है, वो कंपनी कहती है, हम नहीं कह रहे, तो फिर किस सरकार ने, ये मोदी सरकार के रहते हुए हमारे ही देश के नागरिकों पर किसने जासूसी की?